रावण को हम लोग अपना पूर्वज मानते हैं और उनका जन्म यही हुआ है। हमारे गांव में ना आज तक रावण दहन हुआ है, ना हम कभी रावण दहन देखने वगैरह जाते, क्योंकि हमारे नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज विजयादशमी के दिन जहां पूरे देश में रावण का पुतला दहन किया जा रहा है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर और गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बिसरख, जिसे रावण की जन्मभूमि भी कहा जाता है। और इस रावण की जन्मभूमि बिसरख में आज हम लोग जाएंगे, बिसरख के लोगों से बात करेंगे, यहाँ की शिवलिंग के बारे में, गुफा के बारे में जो चर्चा है, यहाँ पे रामलीला का मंचन एक बार हुआ था तो लोगों का निधन हो गया, ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती है, जो रावण के पिता थे उनकी आश्रम है उसको देखेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आज वो रावण को लेकर के क्या सोचते हैं। तो बने रहे ग्रैंड न्यूज़ के साथ, चलते हैं बिसरख और विस्तार से जानते हैं बिसरख गांव के बारे में, जो कि जो भी यहाँ की पौराणिक चीज़ें हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और दिखाएंगे। अशोकानंद जी महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बिसरख धाम है, इसे रावण की जन्मस्थली माना जाता है, इसका वर्णन या उल्लेख कहाँ पर है और क्या महत्व है इसका? जी, बिसरख जो गांव है ये ऋषि विश्वरवा की तपोस्थली है। इसका वर्णन तीर्थांक गीता प्रेस की पुस्तक है उसमें इसका वर्णन मिलता है, शिव पुराण में वर्णन मिलता है, तो आप जब उनका अध्ययन करेंगे तो आपको स्वयं ज्ञात होगा। और ऋषि विश्वरवा के नाम पर ही इस गांव का नाम बिसरख है और महात्मा लंकेश रावण का जन्म इसी गांव में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में वो यहां से श्रीलंका शिव के बुलावे पर चले गए थे, उसके बाद में वो वहीं उन्हें श्रीलंका जो थी वो दान में मिली और वो वहीं के निवासी हो गए। तो रावण को हम लोग अपना पूर्वज मानते हैं और उनका जन्म यहीं हुआ है, क्योंकि ये ऋषि विश्वरवा की तपोस्थली थी और उनकी माता केकसी भी यहीं पर रहती थी। एक आपको ऐसा बताया जाता है कि आज के लगभग 60-70 वर्ष पूर्व में रामलीला का भी आयोजन हुआ था, जिन्होंने अलग अलग चरित्र का मंचन किया, उनके साथ आकस्मिक घटना घटी, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या प्रसंग है वो? जी बिल्कुल, लगभग 70 वर्ष पहले यहाँ पर रामलीला का मंचन किया गया। उस रामलीला मंचन में जो हनुमान का किरदार निभा रहे थे, जो राम का किरदार निभा रहे थे, उन दोनों की डेथ हो गई थी और उसके बाद से यहाँ पर कभी रामलीला आदि का मंचन नहीं हुआ। अभी बहुत जल्द में ही 2 हफ्ते पहले यहाँ भागवत का आयोजन किया गया और उसी समय 7 लोगों की मृत्यु यहाँ हुई तो भागवत को बंद कराना पड़ा। तो यहाँ पर शिव का पूजन ही विशेष महत्व रखता है और शिव का पूजन जो यहाँ करता है उसको उसका शिव कल्याण करते हैं। महाराज जी, ऐसा नहीं होता आज के समय में राम राज की बात की जाती है, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, सत्ता की परिवर्तन भी इसी नाम पे हो जा रही है, उस जमाने में इस गांव में जब रावण की पूजा की जा रही है, जिसे लोग राक्षस के रूप में देखते हैं, जिसे लोग देखते हैं कि असत्य पे सत्य का विजय है, इस तरीके की उपमा लोग देते हैं, और उस समय में भी यहाँ लोग खुले में आराम से आराधना कर रहे हैं, तो कोई चुनौती नहीं आती आप लोग के सामने? नहीं नहीं, कोई चुनौती नहीं है। पहली बात तो रावण हमारे बुजुर्ग हैं और हम अपने बुजुर्ग की पूजा करें, में किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आताताई लोग होते हैं जो अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव आए हुए हैं अभी हम लोग, जहां ये माना जाता है कि रावण का जन्म जो है इसी गांव में हुआ था। रावण जो हैं वो इसी गांव में जन्म लिए थे, उनके जितने भी भाई बहन हैं, विभीषण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, सभी का जन्म इसी गांव में हुआ था। उनके पिता जो विश्वरवा मुनि थे, विश्वरवा मुनि का आश्रम यहीं हुआ करता था और माता केकसी के साथ विवाह जो है यहीं हुआ था। अभी जहाँ पर हम आए हुए हैं, शिवलिंग जो पौराणिक शिवलिंग है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये शिवलिंग की स्थापना जो है स्वयं रावण ने किया था और 7 वर्ष की आयु में जो है वो लंका चले गए थे, तो उस शिवलिंग को भी दिखाएंगे आप लोगों को। और यही वो प्राचीन मंदिर है जो काफ़ी लोकप्रिय है, और अगर इसकी बात करें तो तीर्थांक जो पुस्तक है उसमें भी इसका उल्लेख है। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगा कि वो शिवलिंग को दिखाएँ, कि जिस शिवलिंग का स्थापना खुद रावण ने किया था।
विसरक धाम की यही जो शिवलिंग है बहुत ही पौराणिक है और ऐसा माना जाता है कि खुद इस शिवलिंग की स्थापना जो है वो रावण के द्वारा किया गया था। विसरवा मुनि और माता केकसी जिनके पुत्र हैं रावण, उनका आश्रम भी यहीं पर था। जो पंडित जी हैं जो यहाँ पूजा करते हैं मैं उनसे बात करूंगा और विसरक धाम में जो ये मंदिर है यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज चारों तरफ जो है वो रावण का पुतला दहन किया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि असत्य पर सत्य की विजय है और हर तरफ रामराज और इसकी चर्चा की जा रही है और यहाँ जो है वो खुद रावण की जन्मस्थली मानी जाती है। तो आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं, जो पुतला दहन हो रहा है इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, पुतला दहन गलत है। रावण हमारा आदर्श है और जलाने का मतलब होता है किसी चीज़ के नष्ट कर देना। हम अपने आदर्श को नष्ट नहीं कर सकते। जिनकी नज़र में रावण गलत है वो जलाएं, मगर मैं तो सहमत हूँ उसकी नीतियों से। अच्छा, रावण की नीतियों से आप सहमत हैं। आपके गांव में कई बार प्रयास भी किया गया मूर्ति प्रतिमा स्थापित करने का रावण का, और अभी तक किया नहीं गया है, तो प्रतिमा का को लेकर क्या मांग है आप लोग? अगर सरकार सहयोग देती है तो स्थापित होना चाहिए, हम स्वयं समर्थन में हैं। और उसकी जो खर्चे वगैरह हैं इतना वाहन करना हमारे वश में नहीं है, सरकार जो है समर्थन दे। ये शिवलिंग के बारे में क्या मान्यता है, क्या बताया जाता है शिवलिंग? ये शिवलिंग जो है ना स्पेशल शिवलिंग है, ये धरती पर पत्थर अब है ही नहीं। अच्छा, पहले समय में जो शिवलिंग बनाई जाती थी या कोई अन्य मूर्ति बनाई जाती थी उनका तरीका अलग था। बड़के दूध में बालू मिक्स करके पत्थर बनाया जाता था, उससे मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उसी प्रकार का ये शिवलिंग है। आपका नाम क्या हुआ पंडित जी? पंडित विनय भारद्वाज। धन्यवाद पंडित जी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ के गांव के लोग हैं, जो आम ग्रामीण हैं, और विसरवा मुनि का जो उनके नाम से जो आश्रम बना हुआ है वो वहाँ भी चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ है। विसरक गांव में विसरवा मुनि के आश्रम में आए हुए हैं अभी हम लोग। रामदास जी महाराज जी के साथ हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ है इस आश्रम में। महाराज जी, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि विसरवा मुनि जी की जो आश्रम है इसमें किन की प्रतिमा लगी हुई है, क्योंकि कई कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसा है, यहाँ विशेश्वरवा की है, कुबेर की है, सामने जो है विशेश्वरवा ऋषि की है, शंकर पार्वती जी की है, और इस साइड में आ जाओ ये कल्कि भगवान की मूर्ति लगी हुई है, जो विष्णु भगवान की लगी हुई है। अच्छा महाराज जी, ये रोचक बात है कि भगवान विष्णु जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो राम हो कन्हैया हो सब तो इन्हीं के अवतार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है कुबेर की लगी हुई है, जो रावण के बड़े भाई कुबेर थे। अच्छा, रावण जी के बड़े भाई कुबेर थे। आप इन ऐसा माना जाता है कि जो रावण का जन्म हुआ वो त्रेता में हुआ, लेकिन आज कलयुग माना जाता है, हम लोग 2022 में हैं, 21वीं सदी में हैं, तो आज की जो नई पीढ़ी है, युवा है विसरक गांव का, वो क्या रावण को लेकर के सोचते हैं, उनके बारे उनसे भी जान लेते हैं। आप ये बताएं, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, इसी गांव के रहने। आप ये बताएं कि आप रावण को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम रावण को लेकर के ये सोचते हैं, हमारे परदादा दादा ने सही यही सिखाया है कि भाई रावण का जन्म हमारे गाँव में हुआ था, और इस चीज़ का वर्णन वेद पुराणों में भी है। अब इसी चीज़ के ऊपर ही ना हम कभी हमारे गांव में ना आज तक रावण दहन हुआ है, ना हम कभी रावण दहन देखने वगैरह जाते, क्योंकि हमारे दादा परदादा ने ये सिखाया कि भाई रावण हमारा दादा समान था, तो हमारा पूर्वज था, तो पूर्वज के पुतला फूकने में हम कैसे जा सकते हैं, तो हम ऐसी जगह पे जाते नहीं हैं। और मतलब हमारे गाँव में यही चीज़ है कि भाई रावण जन्मस्थली कहा जाता है, और हमारे गाँव के बोर्ड वगैरह पर भी सब जगह यही है कि रावण जन्मस्थली विसरक। अच्छा, तो मतलब आपके पूर्वज हैं तो उनका पुतला कैसे जला सकते हैं? तो ये आप देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है, जो नए नए बच्चे हैं, वो क्या रावण के बारे में सोचते हैं। एक सुरंग है, उसे भी दिखाएंगे आप लोग को। भगवान शिव की शिवलिंग पे आराधना करने के बाद स्वयं रावण जो है इसी गुफा के माध्यम से दूधेश्वर स्थान तक जो है वो जाया करते थे। आप इस गुफा के बारे में सुने होंगे, कई पौराणिक कहानियां हैं। अगर आप विसरक में आएंगे तो बोला जाता है आप शिवलिंग के बारे में देखिए, शिवलिंग काफ़ी पौराणिक है, बगल में गुफा है जो दूधेश्वर स्थान तक जाया करता था। आपने विश्वेश्वर मुनि के आश्रम को देखा, यहाँ के लोगों के बारे लोगों से सुना यहाँ के बारे में कि क्या मान्यताएँ हैं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि यहाँ की जो शिवलिंग है वो पाताल को छूती हुई है, तो
आपने इस तरीके से देखा कि जो रावण की जन्मस्थली है, जो जहां उनके माता पिता का आश्रम था, उसकी क्या है कहानी, नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसे लेकर के। यहां पे अलग अलग लोगों से हमने बात किया, जो अलग अलग यहां मंदिर बने हुए हैं उसके जो आचार्य हैं, महाराज हैं, पुरोहित हैं, उन लोगों से भी बात किया। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रेट न्यूज़ के साथ, और ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप अगर हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।